दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के सेशन में। देखिए अभी हम यहां पर कंप्लीट करंट अफेयर करने वाले हैं। एक बार बस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट करंट अफेयर होंगे तो बेनिफिट आपको पूरा आया। देखो इतने दिनों से करंट अफेयर नहीं हुए हैं तो अब उसका रिवीजन जरूरी है कि हमारा हर एक मंथ का करंट अफेयर हो जाए। तो मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा, सितंबर तक करूंगा सारे के सारे करंट अफेयर यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जल्दी से एक बार शेयर करिएगा। आपकी 7 PM की क्लास वाईफाई स्टडी की आज भी होगी, जरूरी क्लास है तो हम इसे आज भी करेंगे। 7 PM की क्लास आज भी वाईफाई स्टडी भी होगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा आप, अमन सर वाईफाई स्टडी, तो डेट आपको PDF और लिंक मिल सके, ठीक है। बढ़िया क्लास होने वाली है 7 बजे की डेली बेसिस पे। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कुछ भी फैक्चुअली रॉन्ग पड़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक होता है, यूटिलाइज डेट ऑप्शन। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को जितने बच्चे देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा एक बारी। आपका बस इतना सा काम रहेगा कि आप इस वीडियो के जस्ट एंड होते ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर 6 AM का वीडियो आ जाएगा वर्ल्ड अफेयर्स का, जरूर देखना। 10 मिनट का वीडियो है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज का करंट अफेयर फ्री क्लासेस अन अकेडमी पे अवेलेबल है तो 10 AM की क्लास हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिलेगा। सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको पूरी मिल रही है, टेस्ट एनालिसिस आपका होगा इसमें, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, ये स्टडी प्लानर होगा, स्टडी मटेरियल सारा मिलेगा, लाइव क्लासेस सब कुछ प्लस में अवेलेबल होता है। जैसे नए बैचेस 27 अक्टूबर के स्टार्ट हुए, अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करके SSC गोल सेलेक्ट करिए। जब आप SSC गोल सेलेक्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले रेफर कोड लाइव ऑन यूज करिए, फिर मंथ सेलेक्ट करेगा, फीस इतनी हो जाएगी, उसकी जगह ये फीस देनी है आपको, मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 8 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये आपका रेफर कोड लाइव ऑन यूज करके सभी टीचर्स एंड सारे सब्जेक्ट एक साथ ही मिलने वाले। चलिए तो आप करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे जनवरी के 10 करंट अफेयर, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जनवरी के करंट अफेयर 10 की जगह ये और भी होने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी एक और सेट कराऊंगा आपको इसी वीडियो के जस्ट बाद, सेट 2 भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें और 10 करंट अफेयर होंगे तो आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है इनका इंटरेस्ट रेट कितना है? जल्दी से बताइएगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट कितना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इनका इंटरेस्ट रेट जो है वह 6.8%, ठीक है। याद रखिएगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट कितना है, 6.8%। एक और क्वेश्चन देखिए, भुट्टा सिंह हु पास्ड अवे किस प्रोफेशन से संबंधित है? बड़ा फेमस नाम था भुट्टा सिंह। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। तो भुट्टा सिंह जो है किस, ये फेमस नाम था, एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, बहुत फेमस नाम है भुट्टा सिंह, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा। डॉक्टर नरेंद्र, ठीक है, धाबोलकर मेमोरियल अवार्ड जो है किसको मिला? देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, पहली बात तो जनवरी के करंट अफेयर है, इसमें दिसंबर के कुछ करंट अफेयर जरूर होंगे, और दूसरी बात 2020 के करंट अफेयर बहुत आ रहे हैं तो इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। 2020 के करंट अफेयर आ ही रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, के वर्मनी इसका आंसर है। बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड क्वांटम रैंडम, बताइए किस, ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं मैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे के सारे। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सपोर्ट किस मिसाइल सिस्टम का, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कौन सा डिफेंस सिस्टम है इसमें से जिसका एक्सपोर्ट जो है बूस्ट करने के लिए कहा है? तो आकाश मिसाइल, ठीक है। आकाश मिसाइल पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, इंदिरा जोसेफ जो है इनका निधन हुआ, ये किस प्रोफेशन से संबंधित है?
अभी आज हम सारा रिवीजन मार लेंगे एक बारी, तो डैट आपको ठीक है, जो जो आपने पहले से पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो जाएगा आपका इसी में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंदिरा जोसेफ की अगर मैं बात करूं तो ये न्यूज ब्रॉडकास्टर थे जिनका निधन हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइएगा, जनवरी 2021 की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया ट्रांजेक्शन, ठीक है, कंप्लीटली फ्री, किससे बताइए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री घोषित किया गया, कंप्लीटली फ्री होगा, कोई इसमें चार्ज नहीं लगेगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो ध्यान रखिएगा कौन सा ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन कौन सा होगा, ठीक है, इसमें से यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीटली फ्री होने वाला है, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीटली फ्री होने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेन बैंक इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस ट्रैवल नाउ, कौन सा इसमें से फॉरेन बैंक है जिसने ट्रैवल नाउ का एक ऑप्शन स्टार्ट किया है। अब इस ट्रैवल नाउ में क्या होगा, एक वन स्टॉप ट्रैवल मार्केट प्लेस होगा पूरा, मतलब एक ऐप बनाया गया है जिसमें सारा ट्रैवल मार्केट प्लेस होने वाला है। तो ये ट्रैवल नाउ का ऑप्शन किसके द्वारा लाया गया, तो ये ऑप्शन किसके द्वारा लाया गया, DBS बैंक के द्वारा लाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, ये 7वीं क्लास जरूर देखिएगा। ग्लोबल प्रवासी 9 जनवरी को होता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है, तो अब ये पूछ रहा है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल जो है मोबाइल ऐप लॉन्च की गई इंडियन डिस्पोरा जितने भी उन सभी को कनेक्ट करने के लिए, सवाल पूछा जा रहा है किसके द्वारा, किसके द्वारा ये ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया गया, 9 जनवरी के आसपास लॉन्च किया होगा क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन होना है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइएगा और शेयर करिएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है V. मुरलीधरन इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, जॉन फॉल्टन राइट हु पास्ड अवे रिसेंटली किस देश से संबंधित थे, ये जो व्यक्ति हैं ये किस देश से संबंधित थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए किस देश से संबंधित थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जॉन फॉल्टन राइट जो है ये किस देश से संबंधित रहे, तो बेटा ये न्यूजीलैंड से संबंधित रहे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए पहली बार किसी महिला को सेल का हेड बनाया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो आपको पता होना चाहिए कि सोमा मंदोल इसका आंसर है, ठीक है, सोमा मंदोल इसका आंसर है बेटा। शेयर करना सारे के सारे, गुड मॉर्निंग भाई जितने बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन समय पे आओ एकदम, अभी और भी करंट अफेयर होने, लगातार सेट टू भी होगा इसका, मैं सेट टू इसलिए कराता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी स्टार्टिंग में स्किप कर देते हैं क्लास को, लेकिन सेट टू आपका 6:45 के आसपास हो जाएगा, जरूरी है। फरवरी के करंट अफेयर देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है, हाँ जी, किसने क्रिश गर्नाड के मेमोर द दिस लाइफ एट द प्ले इसको कनाडा से हिंदी भाषा में एक ट्रांसलेट किया, अभी हाल फिलहाल में एक फेमस एक्टर का भी निधन हुआ है, ठीक है, चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कनाडा के ही थे, ठीक है, सिरनाथ पेरूर इसका आंसर है, सिरनाथ पेरूर ने जो है इनके मेमोर को कनाडा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 1 फरवरी 2021 की अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है, सवाल ये पूछा आ रहा है कि जो कोस्ट गार्ड डे इस बार का ऑब्जर्व किया गया उसका कौन सा एडिशन था, कौन सा एडिशन था इस बार का, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा सारे करंट अफेयर हैं A to Z इसमें, ठीक है अंकित, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 45th इसका आंसर है एडिशन ये इंडियन कोस्ट गार्ड का। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, आप यस मैन जो है आप सभी जानते हैं, यस बैंक के ये उस समय हेड थे जब ये क्राइसिस हुए यस बैंक में, चलिए तो आंसर क्या है, इस किताब के ऑथर कौन है बताइए, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है इसके द्वारा, ठीक है, पवन सिंह लाल के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज द शिवम सहकारी बैंक बेस हुज लाइसेंस हैज बीन कैंसिल बाय RBI, ठीक है, RBI ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है शिवम सहकारी बैंक का, ये कहां पे बेस्ड है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, इस बैंक का सहकारी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए बताइए आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर,
चलिए तो शिवम, सहकारी बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए बताइए। वाइज मैन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नए चेयरमैन का नाम बताइए। चलिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नए चेयरमैन अनिश शाह है। ठीक है, अनिश शाह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक बड़ी पोस्ट है तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कंपनी बहुत बड़ी है। इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो कि सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है, उसको कहां पर सेटअप किया गया है? इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए। तो ये वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है, ये कहां पर सेटअप किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में इंस्टीट्यूट है। एक और क्वेश्चन देखिए, दिस टीम वोन द सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी हेल्ड इन जनवरी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है, कौन सी टीम इसमें से सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती 2021? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन सी टीम जीती है इसमें से? सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी कौन सी टीम के द्वारा जीता गया? तो आंसर है इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। इसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिए, हु विल टेक ओवर द न्यू सीईओ ऑफ अमेज़न रिप्लेसिंग सीईओ। देखिए, अमेज़न के जो फाउंडर थे जेफ बेज़ोस, उनको रिप्लेस करके अब नए जो सीईओ बने हैं वो कौन बने? एंडी जेसी बने। ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एंडी जेसी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव? नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के द्वारा। जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वेंकैया नायडू जी, उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है आदि महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? कमेंट करिए आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलिए तो ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया। ठीक, कहाँ पे? दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ईयरबुक विच विल रिलीज इन मई 2021? जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। ईयरबुक जो है किसके द्वारा लिखी गई? ईयरबुक 2021, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, शेयर करिएगा। फुल करंट अफेयर होने वाले हैं लगातार। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? सेट रोजन इसका आंसर है। देखते हैं मार्च के करंट अफेयर अब। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो डुस्लिंग है, ये कहां पर हुई थी इस बारे? ठीक है, बताइए ये जो जॉइंट एक्सरसाइज डुस्लिंग के नाम से होती है, ठीक है, डस्लिंग के नाम से, ये कहां पर हुई इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई, उत्तराखंड में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2021 की अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, जिस जहां पर मतलब फेस कवरिंग जो है, बुरखा जो है, इस पे नकाब, इन सब पे पूरा कंप्लीट बैन लगा है, ये कहाँ पे हुआ? ये जो हुआ है स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में ये सब हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताएगा इसमें से कौन सा बैंक है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी लिस्ट, डिजिटल पेमेंट की लिस्ट में, ठीक है, टॉप पे है, कंसेक्यूटिवली 3 मंथ तक टॉप पर रहा? कमेंट करिए कौन सा बैंक जो है डिजिटल पेमेंट की लिस्ट में टॉप में है, बताइए आंसर क्या, 3 महीने लगातार रहा है, कमेंट करिए आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा सारे के सारे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा बैंक रहा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टर ऑफ इंडिया, देखिए अभी यंग ग्लोबल लीडर्स की जो, ठीक है, कंपाइल किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसमें कौन से एक्टर हैं जिसने रिसेंटली इस लिस्ट में आए हैं? जल्दी से बताइए यंग ग्लोबल लीडर की लिस्ट में इसमें से कौन से
इंडियन एक्टर हैं जो रिसेंटली आए हैं। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है दीपिका पादुकोण। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक बेटा, त्रिपाठी 7 बजे क्लास डेली हो रही है, कल भी हुई थी, डेली क्लास होती है 7 PM पे। Who became the first serving MP to appointed as a captain in territorial army? ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी समझते ही होंगे आप, TA जो इंडिया का है। ठीक है, तो ये इसमें पहले हमारे भारत के सर्विंग MP जो कि कैप्टन, इनको पोस्ट मिली है इनमें। ठीक है, गेस्ट पोस्ट कह सकते हैं एक तरीके से, किन्हें मिली है बताइए? अनुराग ठाकुर, चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर अनुराग ठाकुर। Where did UP got its 8th airport? ठीक है, यूपी का जो 8वां एयरपोर्ट बना है, 8th वन एयरपोर्ट जो बना है, ये कहां पर बना है? तो ये एयरपोर्ट बना है बरेली में। ठीक है, ये बरेली में, यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, विच कुछ इंटरनेशनल भी घोषित किए गए दोबारा। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अपॉइंट किया गया पल्लव मोहपात्रा को न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD? कौन सी कंपनी की ये जो है नए चीफ और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं? जल्दी से बताइएगा कौन सी कंपनी है। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा। अभी इसका सेट 2 भी होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? ठीक है, एयरसेल इसका आंसर है। एयरसेल आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर एयरसेल है। तो क्वेश्चन देखिए, ठीक है, UNCTAD बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स जो आया था, इसमें कौन सा देश टॉप पे रहा बताइए? UNCTAD बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर आया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलिए तो कौन सा देश टॉप पर रहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड इसका आंसर है। स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा, और ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, स्विट्जरलैंड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए हेमंत बकायोको जो है प्राइम मिनिस्टर थे किस देश के, जिनका निधन हुआ हाल फिलहाल में? तो ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर थे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अंडर विच कंट्री द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड हेल्ड? बताइए कौन से देश में ब्रिक्स जो कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इशू जो है, इनकी मीटिंग हुई थी किस देश में? कमेंट करिएगा, पहली मीटिंग थी ब्रिक्स की, इस तरीके की मीटिंग जो है ये पहली थी ब्रिक्स की। जल्दी से बताइए कौन से देश में हुई थी मीटिंग, ये मीटिंग कौन से देश में हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलिए तो ये मीटिंग बेटा अभी इसका ना सेट 2 जरूर देखिएगा इसी वीडियो का, ऐसे ये करंट अफेयर कवर हो जाएंगे ना, उसी के जस्ट बाद सेट 2 भी होगा, बहुत जरूरी। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर इंडिया है। एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, ये टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, इस पे आ जाएगा लिंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अप्रैल के करंट अफेयर देखते हैं, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने वर्ल्ड का सबसे पहला अफोर्डेबल लॉन्ग लास्टिंग हाइजेनिक प्रोडक्ट जो है डोरक्यू सीरीज जो है बनाया? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। एक कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजेनिक प्रोडक्ट जो है डोरक्यू सीरीज जो है बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कौन सी IIT के द्वारा या IAS बेंगलोर के द्वारा? चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का IIT हैदराबाद के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एलिस्टा हैज अनाउंस विच क्रिकेटर एज ब्रांड एम्बेसडर? ठीक है, एलिस्टा ने कौन से क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर, जैसे इतने सारे कंपनीज है उन सभी को कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के नाम। ठीक है, आ सकता है सुरेश रैना इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इंडियाज पावर एलाइट क्लास कास्ट कल्चर एंड रेवोल्यूशन इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, संजय वारू इसका आंसर है। किसके द्वारा? संजय वारू के द्वारा। बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैक फर्स्ट प्लेस फॉर इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस 19-20 30th नेशनल अवार्ड सेरेमनी हुई थी दिल्ली में, इसमें जो है सबसे पहला जो प्लेस है इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस में किसे मिला है? कमेंट करिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है।
फर्स्ट स्पेस जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए तो फर्स्ट स्पेस किसे मिला है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को मिला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन से इसमें से व्यक्ति है जिन्होंने लॉन्च किया था डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप, ठीक है, जिसमें ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। बताइए डीजीएफटी जो है ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम, जिसमें पे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, पीयूष गोयल के द्वारा। महत्वपूर्ण सवाल, एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज सिंपली प्रोसेस टू इशू, देखिए ओसीआई आप सभी जानते हैं, ओशियन का जो है, ठीक है, इंडियन ओशियंस का कार्ड जो बनता है, ठीक है, तो ये जो है सी का मतलब क्या है, सिटीजन, ठीक है, ऑब्वियसली है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए रिन्यू पावर प्लेट जो है टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए जैसे हर एक देश अलग अलग टारगेट बना रहा है जीरो एमिशन के, कि हम 2060 तक करेंगे, 2050 तक करेंगे, 2040 तक करेंगे, वैसे ही ये जो रिन्यू पावर प्लेज है कितना है, कमेंट करिएगा कब तक, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 2050 तक, कब तक, 2050 तक। एक और क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन राइट आइकन आईए रहमान, इनका निधन हुआ, किस देश से संबंधित है, जल्दी से बताएगा, ह्यूमन राइट आइकन थे आई ए रहमान, ये किस देश से संबंधित थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बोल करो बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, पार्टिसिपेट करो बेटा सारे के सारे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आई ए रहमान जो है किस देश से संबंधित थे, ये पाकिस्तान से संबंधित थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस समय, बताइएगा हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज, कमेंट करिएगा कौन है ब्रांड एम्बेसडर, बताइए आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन इसके स्पोर्ट्स एक्सचेंज के, अभी कंटिन्यूएशन में मैं सेट टू भी कराऊंगा, इसी का करंट अफेयर का जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान से दिमाग में रखिएगा, होना चाहिए आपकी वो क्लास, जरूर देखिएगा। पृथ्वी शाह इसका आंसर है, एक कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट कंट्री बना टू इंट्रोड्यूस द क्लाइमेट चेंज लॉ ऑफ फाइनेंशियल फर्म्स, ठीक है, फाइनेंशियल फर्म्स का जो क्लाइमेट चेंज लॉ है उसको, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है कौन से देश के द्वारा, कमेंट करिएगा, एक तरीके से कह सकते हैं क्लाइमेट को लेकर कॉन्शियस होना है जिसकी वजह से फाइनेंशियल फर्म्स को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, आंसर क्या है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसा किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, मई के कैलेंडर में, लेट्स सी, पहला क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज हेड ऑफ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ऐप पे जो है, ठीक है, अब आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप पे भी पे का ऑप्शन है, तो व्हाट्सएप ऐप पे के हेड कौन बनाया, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मनीष महात्मे इसका आंसर है, मनीष महात्मे इसका आंसर आ सकता है क्वेश्चन, ए ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स ब्रांड एसएस जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे, तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एसएस के ब्रांड एम्बेसडर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो एसएस है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा आप सभी जानते हैं फेमस खिलाड़ी हैं, हाँ जी, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन फॉर 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन है जिनको वाइल्ड एशियन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है मिला है, इस क्वेश्चन का आंसर है, कौन से इसमें से वुमेन है जिन्हें मिला है, बताइएगा 2021 का अवार्ड है तो इम्पोर्टेंट भी है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, चलिए तो ये अवार्ड किसे मिला है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, तो एक कृति के कर्नाथ जो है इनको मिला है अवार्ड, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से, चलिए तो कहते हैं कि एक रात इसका आंसर था, बताइए हाउ मेनी इंडियन फर्म्स हैव फिगर्ड आउट इन टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी, जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी है उसमें, ठीक है, कितने इंडियन फर्म्स हैं जिनको, ठीक है, इसमें लगाया गया है, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, दो इंडियन फर्म्स हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए हां जी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डिकेड एट BC स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड, बताइएगा पूरे डिकेड के स्पोर्ट्स पर्सन जो है कौन रहे, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है,
कमेंट करिएगा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड एट बीसी के स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सारे कवर भी करने। मैरी कॉम है आंसर, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस। रिसेंटली डीआरडीओ ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल मेडल ट्राइंग फिफ्थ जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल का, बताइए कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है जिसका डीआरडीओ ने अभी तक अभी सक्सेसफुल कंडक्ट ट्रायल किया है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करेगा। इसके जस्ट बाद ही मैं सेट टू कराऊंगा और वो सेट टू ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सेट टू में ही आ पाते हैं और आप बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते, तो सेट टू जरूर करिएगा, उसमें और अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाइथन 5 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देख, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ रोड प्रोजेक्ट अलोंग बॉर्डर। ठीक है, बताइएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार महिला ऑफिसर को जो है ना प्रोजेक्ट हेड बनाया गया है। ठीक है, इंडिया चाइना के बॉर्डर के आसपास। ठीक है, अब इनका नाम क्या है? ठीक है, वुमेन ऑफिसर का नाम बताइए सारे के सारे, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन सी वुमेन ऑफिसर है, कमेंट करिएगा। चलिए, तो वुमेन ऑफिसर कौन सी है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वैशाली एस हिवासे इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एकनाथ गायकवाड़ पास्ट अवे, इनका निधन हुआ, किस फील्ड से संबंधित है, बताइएगा एकनाथ जो गायकवाड़ है वो किस फील्ड से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो ये किस फील्ड से संबंधित रहे, तो आंसर है एक राजनीतिज्ञ थे। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया कोरोना वेरियस स्कीम, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना वेरियस स्कीम जो है। गुड मॉर्निंग डियर, जो भी बच्चा लेट आ रहा है भाई, अब बाकी अदर जो क्लासेस है उसमें भी जरूर आएगा, कंटिन्यूटी बनाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मध्य प्रदेश इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जून के करंट अफेयर, लेट्स सी जून के करंट अफेयर क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए हाल फिलहाल में पहली बार चेयरमैन डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के कौन बनाए गए, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन है क्योंकि ये अभी बना है, तो इसके पहले चेयरमैन डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन कौन, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चेयरमैन कौन बने, विक्रमजीत सेन। कौन बनाए गए, विक्रमजीत सिंह जो है फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए हैं किसके, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, पता है ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म जो है मेडक्लिफ, ठीक है, इन्होंने किसे एक्वायर किया। ठीक है, अच्छा कौन सा इसमें से, ठीक है, मेडिकल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसने मेडलाइफ को एक्वायर किया है टू बिकम द लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी इन इंडिया, तो एक्वायर किसने किया है बताइए, क्या इसका आंसर फार्मेसी है, बताइए क्या फार्मेसी के द्वारा मेडलाइफ को एक्वायर किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, फार्मेसी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहा हूं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डेट आपको अभी नेक्स्ट सेट जो है करंट अफेयर का इसी में मिल जाएगा, सेट टू के नाम से लिखा हुआ आएगा, जरूर देखिए। और वर्ल्ड अफेयर का वीडियो भी आपको मिलेगा 10 मिनट का, वो जरूर देखिएगा वर्ल्ड अफेयर का वीडियो। चलिए एक और क्वेश्चन दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो की इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, COVID-19 का इजी डिटेक्शन हो सके, चेस्ट एक्सरे के थ्रू COVID-19 डिटेक्ट किया जा सके, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो कौन सा है, कमेंट करिए कौन सा AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है, कमेंट करिएगा सारे के सारे, बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्सरे से तो इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कंट्री है दैट होस्ट द कंट्री फॉर 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जल्दी से बताएंगे।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वीसी किस किस के द्वारा होस्ट किया गया, तो पाकिस्तान के द्वारा। इस बार एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मल्टीलेटरल जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी स्टेडफर्स्ट डिफेंडर वीसी किस, ये ऑर्गेनाइज की गई थी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है ये किसके द्वारा है ना, तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, आंसर है इस क्वेश्चन का नाटो के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अपॉइंट किए गए न्यू प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के, ठीक है बताइएगा कौन नए प्रेसिडेंट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। तो इनके जो नए प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। आंसर है इस क्वेश्चन का टीवी नरेंद्रन, इसका आंसर है टीवी नरेंद्रन। अरे कौन सी कंट्री जिसे लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया, इसे फार्मर का लिए बेनिफिट होगा, वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया है, बताइए आंसर इस क्वेश्चन का, कमेंट करिएगा। ठीक है तो वर्ल्ड का जो सबसे पहला नैनो यूरिया है वो किसके द्वारा, तो आंसर है इस क्वेश्चन का इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा इंडिया के द्वारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। बस एनरुथ, ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है बताइएगा। जो एनरुथ जगन्नाथ है इनका निधन हुआ, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस देश के। अब ऐसे क्वेश्चन ना बहुत मिलते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है उनका निधन हुआ तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का मॉरिशियस, इसका आंसर क्या आंसर मॉरिशियस, इसका आंसर है क्वेश्चन आ सकता है, मॉरिशियस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं फॉर्मर। हाँ जी, ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ फॉर इंडिया व्हाट्सएप के द्वारा किसे जो है चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर जो है बनाया गया, कमेंट करिएगा इंडिया के। तो करो बता बेटा, जो नेक्स्ट सेशन होगा ना वो 11:45 पे होगा, कितने बजे होगा 11:45 पे होगा, ध्यान रखिएगा 11:45 पे नेक्स्ट सेशन होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर परेश बी लाल, इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, ठीक है ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन, जल्दी से बताएगा। ठीक है ग्लोबली वर्ल्ड बाइसाइकिल डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 3 जून को, ठीक है 3 जून को। एक और क्वेश्चन, सेट टू की टाइमिंग क्या है, मैं बता देता हूँ 6:45 AM, ठीक है सेट टू जो वाईफाई स्टडी पे ही होगा, टेलीग्राम चैनल पे लिंक आएगा, वो सेट टू 6:45 AM पे होगा। ठीक है तो गुड मॉर्निंग, जो भी बच्चा अभी लेट आ रहा है वो 6:45 पे जरूर छुड़िएगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर का सेट टू भी मिल जाएगा जिसमें और क्वेश्चन होंगे। जुलाई के करंट अफेयर देखिए, सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम जो है इसमें कितना इंटरेस्ट रेट है इस समय, बताइए आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो है 7.4% है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, टॉप्सी ऐप जो है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई थी, है ना ऑनलाइन बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते तो ये ऑप्शन है, टॉप्सी ऐप किसके द्वारा, फ्लिपकार्ट है क्या इसका आंसर, क्या इस क्वेश्चन का आंसर फ्लिपकार्ट है, जल्दी से बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर यस फ्लिपकार्ट है, ठीक है यस फ्लिपकार्ट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट, ठीक है ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डेवलपमेंट, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए तो बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक है इंद्रजल इसका आंसर है, ठीक है नाम है ये, ठीक है राफेल जो है एडवांस डिफेंस सेटल सिस्टम लिमिटेड जो है इनके द्वारा अनवील किया है एक मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर, इंडियन नेवी कौन सी नेवी के लिए, अच्छा इसमें ये पूछा रहा है कौन सी नेवी के लिए, तो मे बी इंडियन नेवी की जगह और भी हो सकता, तो आंसर क्या है यूएसए नेवी के द्वारा ये के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
कौन से इसमें से चेस प्लेयर हैं ये यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस के इतिहास में यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, आंसर इस क्वेश्चन का अभिमन्यु मिश्रा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये जुलाई के करंट अफेयर के बाद आपको 6:45 पे सेशन मिलेगा, जरूर देखिएगा ठीक है सारे के साथ। तो आंसर वाइस चीफ नहीं है, अब ये सीधा चीफ बन चुके हैं विवेक राम चौधरी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल्स ठीक है सिंपोसियम जो है आयोन्स ये कहां पर हुआ, जल्दी से बताइएगा 7th एडिशन इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम का, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। बेटा पार्टिसिपेट करेगा, ये फाइनल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और इसके बाद मैं आपको अब 6:45 पे कराऊंगा ठीक है। आप 5 मिनट का गैप लीजिए, 6:45 पे भी क्लास होगी ठीक है, 5 से 10 मिनट बाद आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट करंट अफेयर जो है आपको इसमें मिलेंगे 6:45 पे। चलिए तो ये आंसर इस क्वेश्चन का फ्रांस। तो आप जो भी करंट अफेयर बच गया है ये आपका कंटिन्यू होगा कितने बजे ठीक है, 6:45 यानी कि 5 से 10 मिनट बाद आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा दोबारा वाईफाई स्टडी पे एक बार फिर से, क्योंकि आप सब जाग चुके होंगे तो तसल्ली से करेंगे। और नए नए करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल अमन सर वाइस स्टडी पे इसका लिंक लीजिएगा जो भी बच्चा देख रहा है ठीक है। वर्ल्ड इतनी देर मैं 10 मिनट का गैप इसलिए दे रहा हूँ कि वर्ल्ड अफेयर का वीडियो आप देख सकें इतने में ठीक है, लिंक आ चुका है टेलीग्राम चैनल पे, देखिए आप सारे के सारे ठीक है। बाकी अनअकैडमी की कोर्सेज जो है आप ले सकते हैं, कोर्सेज अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको प्लस कोर्स पर्सनल गाइडेंस सब कुछ आपको मिल रहा है, टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडेंस ठीक है, लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट सब कुछ आपको नए बैच में मिल रहा है। आपको एसएससी गोल अनअकैडमी में सिलेक्ट करना है, जब आप एसएससी गोल सिलेक्ट करते हैं रेफर कोड लाइव होगा लगा के फिर सिलेक्ट करिएगा, ये फीस आपकी इतनी हो जाएगी, उसकी जगह ये फीस आपको देनी है, 8 मंथ एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, सारे टीचर्स अवेलेबल ठीक है ना। तो 10 मिनट का गैप है, 10 मिनट के गैप में आप चाहे वर्ल्ड अफेयर का वीडियो देखिए और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, प्रॉपर क्लास होगी एक पूरा 1.5-2 घंटे की करंट अफेयर की ठीक है। ये शुरुआत थी बस, एक थोड़ा सा वार्म अप, लाइक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर